दिन फार्मर्स, आज का एपिसोड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलने वाला है। हमने आपसे कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो रिलीज करी थी कि टॉप 3 कॉइंस टू बाय इन 2024, जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग नहीं है। तो उस पर हमें सबसे ज्यादा कमेंट्स रिसीव हुए कि हमें हाइव के थ्रू अर्निंग कैसे करनी है। तो हाइव के थ्रू अगर आपको अर्निंग करनी है तो जी हाँ, आप अप्रोक्सीमेट $500 अ डे तक भी बहुत ईजिली कमा सकते हो। एंड आज के एपिसोड में मैं वही सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप हाइव के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देख रहे हो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो ताकि उनका भी भला हो जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक फिनफार्म को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करके, जल्दी से वीडियो पॉज करके वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लो और साथ ही साथ लाइक बटन भी प्रेस कर देना। कॉन्टेंट बढ़िया मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। मैं अभी हाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज hive.io, एंड मैंने उसके इकोसिस्टम वाले पार्ट में क्लिक कर रखा है। सबसे पहले मैं वही सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि वही सीक्रेट सबसे ज्यादा होता है ना, वो सीक्रेट जानना है एंड किस सीक्रेट के थ्रू आप अर्निंग्स कर सकते हो। तो हाइव में बहुत सारे डीफाई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने के पैसे मिल सकते हैं, आपको यहाँ पे गेम खेलने के पैसे मिल सकते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे गेमर से भी मिला हूँ जो सबसे पहली गेम है स्प्लिंटर लैंड्स, उसी गेम को खेल खेल के लोगों ने $10,000-15,000 अ मंथ भी निकाले हैं। तो $10,000-15,000, आप इमेजिन करो, $10,000-15,000 एक कितना बड़ा फिगर है। $10,000-15,000 इट्स मोर लाइकली आपके कितने पैसे हो गए, अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें, अप्रोक्सीमेटली 10-12 लाख रुपए मंथली बेसिस पे। एंड फिर ये सोचो कि आप शायद अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कॉलेज कर चुके हो, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, अब आपको कोई जॉब मिल रही है, तो 10 से 12 लाख रुपए का तो पैकेज लाइक टॉप 1% वालों को मिलता है। एंड यहाँ पर आप सिर्फ गेमिंग करके भी 10 से 12 लाख रुपए एक महीने तक कमा पा रहे हो। एंड सेम आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने के भी पैसे निकाल सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सब कुछ है, लाइक गेम्स और भी ऐसे, डी क्रॉप है, स्टेम गीक्स है, डी सिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमें एक्सेस करने के लिए हाइव का वॉलेट चाहिएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम हाइव के वॉलेट की बात करते हैं तो हाइव का वॉलेट डेफिनेटली हाइव अपने आप में क्लियर टू ब्लॉकचेन है। लेकिन जैसे हम मोर लाइकली इथेरियम पे एक्सेस करते हैं, तो मेटामास्क आपने डाउनलोड करा, 12 सीट का वो प्राइवेट की आपने कहीं पे लिख लिया, एंड यू आर गुड टू गो। नहीं, हाइव में काफी अलग चीजें से, यहाँ अलग तरीके से, यहाँ पर मैं कहूंगा काफी चीजें होती हैं। तो मेक श्योर जो अभी हम हाइव के वॉलेट क्रिएशन वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड एक बार आप हाइव का वॉलेट क्रिएट कर लो तो हम ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हाइव का वॉलेट क्रिएट करने। तो सबसे पहले आपको जाना है एसएनसी पे। तो हाइव का वॉलेट क्रिएट करने के लिए आप और भी अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बार वॉलेट सेक्शन में जाता हूँ, अगर यहाँ पर है वॉलेट सेक्शन, ठीक है, ये रहा वॉलेट सेक्शन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेसल है, हाइव वॉलेट है, एसएनसी है, की चेन है, एक्टिव फिट है, हाइव ब्लॉग है, पीडीए, लियो फाइनेंस है, एंड लेजर है। आप इनमें से कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पर एसएनसी यूज करने वाला हूँ एंड एसएनसी काफी मुझे यूजर फ्रेंडली लगा। एसएनसी के साथ साथ लियो फाइनेंस और पीडीए, ये तीन भी बहुत ईजी है, तो आप ये तीन भी एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं चलता हूँ एसएनसी पे। एसएनसी मैंने इसलिए लिया क्योंकि एसएनसी आपका व्हाट आई से इवन इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो आप अपने फोन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह से, तो इट्स मोर यूजर फ्रेंडली। तो अब आपको हाइव पे एक वॉलेट बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, अनलाइक योर एड्रेस, यहाँ पर आपका यूजर नेम काम करता है। तो सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा सा यूजर नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम क्या सिलेक्ट करूँ, चलो यहाँ पे डाल देते हैं टेस्टिंग हाइव, देखते हैं ये यूजर नेम ठीक है अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ अपनी ईमेल आईडी, एंड नीचे रेफरल कोड है फिनफार्म का, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं डालो नहीं भी डाल सकते, रेफरल कोड से कोई अर्निंग्स नहीं होती, बल्कि अल्टीमेट बेनिफिट आपको ही मिलता है क्योंकि इसमें रिसोर्स क्रेडिट्स का ऑप्शन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो आगे चल के बेनिफिट देता है। और अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो रेफरल कोड में फिनफार्म डाल सकते हो, तो आई एम नॉट अ रोबोट एंड कंटिन्यू। तो अब आपको तीन चीजें दिखाएगा, दैट इज फ्री अकाउंट, बाय अकाउंट एंड आस्क फ्रॉम अ फ्रेंड। तो आपको जाना है फ्री अकाउंट पे, ठीक है, रजिस्टर फॉर फ्री। एंड जब आप रजिस्टर फॉर फ्री करते हो तो ये आपके लिए श्योर करता है कि आप बॉट्स नहीं हो, कि सेम आईपी एड्रेस से आप डिफरेंट अकाउंट्स बनाना चाह रहे हो तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, मत करना है गलती, ठीक है। एक आईपी एड्रेस से एक या दो अकाउंट से ज्यादा मत बनाना, एंड विद टाइम ड्यूरेशन। तो अब आपके पास क्या आएगा, वी हैव सेंट एन ईमेल टू आपकी ईमेल आईडी, verify to finalize sign up process, no check spam folder if you couldn't find email. Email arrive होने में करीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो 2 से 3 घंटे बाद आप वो email check कर सकते हो। उस email में आपके पास आपकी keys होंगी
एंड वो कीज से मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाने वाला हूँ। अभी वेट करना पड़ेगा हमें करीबन आधे से एक घंटा, मिनिमम टू मिनिमम इतना टाइम लग जाता है कि पूरा सिस्टम चेक करता है कि हम जो यहाँ पर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं कहीं हम बॉट्स तो नहीं है। तो हाइव लेयर टू ब्लॉकचेन है एंड लेयर टू ब्लॉकचेन वो गैसलेस बेसिस पे काम करती है। तो वो गैसलेस इसी है कि जो बॉट्स आके ब्लॉकचेन को लाइक उसकी ट्रांजैक्शंस बढ़ा देते हैं, टीपीएस बढ़ा देते हैं एंड कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन्स को हार्म करते हैं। जो हमने ऑलरेडी पहले पॉलीगन पे ऐसे अटैक्स देख रखे हैं, बीएनबी पे ऐसे अटैक्स देख रखे हैं, तो हाइव पहले से ही साइन अप प्रोसेस से ही थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि अगर आप हाइव पर आ रहे हो तो आपको बॉट वेरीफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ काफी अच्छा प्रोसेस है, लाइक आपको कितने 2 मिनट लगेंगे यहाँ पर, लेकिन मेल आने में आधे से एक घंटा लग जाएगा। या फिर आप अकाउंट बाय कर रहे हो एंड ऑन द स्पॉट आप उसे परचेज कर सकते हो $3। अगर आपको परचेज नहीं करना तो आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। मेरे पास वेरिफिकेशन की मेल आ चुकी है एंड मुझे यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंफर्म करना है। जैसे ही मैं क्लिक हेयर टू कंफर्म करूंगा इसके बाद अगेन आधे से एक घंटा लग जाएगा मेरी दूसरी मेल आने में। ये वाली मेल मेरे पास विद इन 2-3 मिनट्स आ गई थी, तो 2-3 मिनट्स के बाद बस मुझे क्लिक हेयर टू कंफर्म करना है। तो साइन अप snc.com एंड कंफर्म, ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड, यू विल रिसीव अनदर ईमेल विद अकाउंट डिटेल्स। तो जैसे ही मेरे पास अकाउंट डिटेल्स की ईमेल आएगी तो उसके बाद मैं अपना साइन अप प्रोसेस आगे चल के कम्प्लीट कर सकता हूँ। तो जस्ट वेट कि अभी और आती है या फिर नहीं आती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हमारा SNC का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब SNC का अकाउंट क्रिएट करने के बाद 2 स्टेप्स हैं, या तो आपके पास आएगा ट्राई वन क्लिक लॉगिन, या फिर दूसरा है कि snc.com पर जाके मैनुअली लॉगिन करो। देन फार्मर्स, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप मैन्युअली ही लॉगिन करना। एंड क्यों? उसका रीजन ये है कि हमें कीज आगे चल के रिट्रीव करनी है, क्योंकि जो आपके वॉलेट की कीज है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती है एंड रिट्रीव करने के लिए आपको यहाँ पे मैन्युअली लॉगिन करना ही पड़ेगा। नीचे जाता हूँ अगर मैं मेल में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यूजर नेम, एंड यूजर नेम के नीचे अगर मैं स्क्रोल करूंगा, अभी कर नहीं रहा हूँ, अगर मैं वहां पर स्क्रोल करूंगा तो वहां पर आपका मास्टर पासवर्ड होगा। तो वो मास्टर पासवर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है, तो मेक श्योर आप उसे किसी सेफ जगह पे संभाल कर रख लो। एंड इसी मास्टर पासवर्ड के थ्रू हम आपकी कीज जो है यहाँ पर रिट्रीव करने वाले हैं। तो मैं ऑलरेडी मास्टर की जो है, मास्टर पासवर्ड जो है, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। तो मैं सीधा snc.com पे जा रहा हूँ एंड आई विल गो ऑन लॉगिन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्टिंग हाइव, जो कि मेरा यूजर नेम था, एंड अ पासवर्ड स्लैश प्राइवेट की, एंड आई एम नॉट अ रोबोट, सो लॉग इन। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है नेवर, ओके फ्रेंड्स, ओके। तो अब यहाँ पर SNC खुल चुका है। अब SNC खुलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेटली यहाँ पर हाइव इकोसिस्टम में बहुत कुछ है। जैसे अभी हमने SNC पे लॉगिन करा, तो SNC पे आप इवन पोस्ट करके भी पैसे अर्न कर सकते हो। अगर इस पर इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, अभी का जो हमारा टारगेट है दैट इज वॉलेट कंप्लीट तरीके से सेटअप करना। तो अभी आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में, सेटिंग्स में नीचे जाना है आपको परमिशंस में, एंड परमिशंस में जाने के बाद ब्लॉक। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ओनर, एक्टिव पोस्टिंग एंड मेमो, ये चार आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, ये आपकी पब्लिक कीज हैं। अगर STM से स्टार्ट हो रहा है दैट इज अ पब्लिक की। जैसे हम इथेरियम पे करते हैं, इथेरियम पे अगर मुझे आपको कोई भी फंड ट्रांसफर करना है, आप मुझे अपनी वो पब्लिक की देते हो, मैं उस पर आपके फंड ट्रांसफर कर देता हूँ, दिस इज अ पब्लिक की। बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी चाहिए, हमें चाहिए प्राइवेट की। तो अब प्राइवेट की कैसे इंपोर्ट करनी है, आपको अपनी इंपोर्ट की पर जाना है, यहाँ पे वही मास्टर पासवर्ड जो है वो इंपोर्ट करना है। मैं रिवील नहीं करने वाला, मैं मेमो की कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी की होती है, दैट इज द ओनर की ऑफ कोर्स, उसके बाद आपकी एक्टिव की। ये दो कीज कहीं से भी आपकी लीक नहीं होनी चाहिए। अगर आप पोस्टिंग की जाके किसी के साथ शेयर भी करते हो तो ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ करना। एंड लास्टली मेमो की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये तीन कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ओनर एंड एक्टिव। एंड इन चारों को रिट्रीव करने के लिए आपको वही मास्टर पासवर्ड चाहिए जो आपकी मेल में आता है। अब आप कहोगे कि इतनी ज्यादा प्राइवेट कीज क्यों है, मैं कहूंगा ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है। बेनिफिशियल ऐसे क्योंकि मैंने टेक की बात करी थी, राइट? अगर आज की डेट में मैं शायद इथेरियम पे कोई डैप विजिट करना चाह रहा हूँ, जो कि शायद सोशल मीडिया है, सोशल फाई वाली एप्लीकेशन है, एंड वहां पर मुझे पोस्ट करना है, तो ऑफकोर्स मुझे ही पोस्ट करना पड़ेगा। किसी और को अगर मुझे पोस्टिंग करनी है, जैसे ट्विटर पे होता है घोस्ट राइटर्स एग्जिस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे आपके डिजिटल मार्केटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उनको अपना ID पासवर्ड दे दीजिए एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट जब आप क्रिप्टो स्पेस में एंटर कर चुके हो, तो अगर आप किसी को भी प्राइवेट की दे रहे हो, तो उनके पास आपके फंड्स का भी एक्सेस है,
तो इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क तो आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर पोस्टिंग की इसलिए अलग है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कल कोई डिजिटल मार्केटर हायर करते हो तो आप उसको सिर्फ अपनी पोस्टिंग ही दे सकते हो एंड उसके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही अथॉरिटी है कि वो सिर्फ आपके सोशल मीडिया पर जाकर आपके बिहाफ पे पोस्टिंग कर सकता है। तो इसलिए हर की का अलग अलग यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। इन डेप्थ चाहिए तो कीज के बारे में मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपके पास यहाँ पे प्राइवेट कीज आ चुकी है, प्राइवेट की कहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख लेना कोई ऑफलाइन सेफ एंड सिक्योर जगह पे, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी प्राइवेट की नहीं दिखाने वाला हूँ, तो मैं ये गलती नहीं करने वाला, तो आपको भी नहीं करनी है। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पोस्टिंग की जाते हैं, ठीक है। तो साइन कीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, अब जैसे ही मैं फिनिश हटाऊंगा यहाँ पर आपको मेरी कीज दिख जाएंगी, राइट। तो अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पीछे हिडन है, तो मैं अभी ये दिखा नहीं रहा हूँ। अब ऑब्वियसली अगर हमें हाइव पे सारी चीज़ें एक्सेस करनी है वॉलेट्स को छोड़ के इकोसिस्टम में जिसमें पैसे कमाने की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो आपको ये ऑनबोर्डिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। आज की वीडियो का हमारा जो मेन फोकस था वो ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करना ही था, क्योंकि अब एक हर एक एप्लीकेशन का अपना हर एक कॉन्टेंट भी होता है कि कैसे आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो और कैसे उस एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कमा सकते हो। तो मेक श्योर आप वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो कि हाँ आपको उस पर सेपरेट ट्यूटोरियल्स चाहिए, ताकि हम आपके लिए सेपरेट ट्यूटोरियल्स यहाँ पर बना सकें। और हाइव इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसके इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें मास्टर कर ली तो आप डेली बेसिस पे करीबन करीबन $500 बहुत इजीली कमा पाओगे। फिनफार्म इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और हाँ फिनफार्म को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज और आगे से स्किप ना हो जाए। और जल्दी से मुझे वो कमेंट करके वो चीज चाहिए कि आपको और सेपरेट ट्यूटोरियल्स चाहिए या फिर नहीं। ऑलराइट फिनफार्मर्स, हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।